आईटी विंग आरईआरएफ इज ऑर्गेनाइजिंग वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स वेयर रिनाउंड आईटी प्रोफेशनल्स विल शेयर देयर व्यूज ऑन हाउ राजयोगा एंड स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प विद वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self-empowerment, increasing self-esteem, and many more. ओम शांति. वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से अंकुर सर, जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज में पिछले 16 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं. और आप जो है आईसीटी एंड क्लाउड बिजनेस सेल्स सर्विसेज में कंसल्टेंट हैं. तो आज हम सुनते हैं अंकुर सर से. बहुत बहुत स्वागत. ओम शांति दीदी. और तानिया जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे ब्रह्म कुमारी की तरफ से एक अवसर मिला जिससे मैं अपने स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज कर सकता हूँ अपने प्रोफेशन में, मैं वो आगे आपको बता सकूँ. बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आईटी में जो है कंसल्टेंट का एक जो आप रोल प्ले कर रहे हो जी. तो उसमें बहुत सारी बातें आती है कि कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी राजयोग का मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं और साथ में वो काम भी, वो कैसे आप बैलेंस बना के चलते हैं. ज्ञान में आने का कारण ये था कि 16 साल से मैं आईटी कंसल्टेंसी में हूँ और आईटी कंसल्टेंसी जो है वो बड़ा टफ जॉब है क्योंकि हाई प्रेशर जॉब है. आपको बिजनेस लाना होता है तो आपको 100 मिलियन का बिजनेस लाना होता है. 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का बिजनेस आपको कंपनी के लिए लाना होता है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 100 आईटी प्रोफेशनल पीछे हायर कर रखे हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं जावा में और C++ में और मैजेंटो में, जो इस जो प्रोजेक्ट्स पे आगे काम करना चाहते हैं. तो क्योंकि आपको बिजनेस लाना पड़ेगा जिससे उनकी उनको काम मिले और वो कंपनी आगे बढ़ पाए, तो आपको उस बिजनेस के लिए आपको एक नहीं 10 क्लाइंट के पास जाना पड़ता है. और ये बहुत हाई प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि क्लाइंट के पास सिर्फ आप नहीं जाते हो, 10 लोग और भी जाते हैं और उसी बिजनेस के लिए. और आपको उसमें उनको समझाना और बात करना और करना बहुत जरूरी है. और कई कई बहुत मौके आते हैं जिसमें आपको लगता है ये बिजनेस हाथ से चला जा रहा है, आप बहुत टेंशन में होते हो कि अब क्या करेंगे हम और अब ये कैसे होगा आगे. तो उसके लिए आपको एक कामनेस चाहिए आपके अंदर. आपको एक सिचुएशन ऐसी चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में काम रहे, उसको आप गॉड पे भरोसा करें कि मुझे उनका आशीर्वाद है और वो हमारे साथ है. क्योंकि वो हमारे साथ हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, सब अच्छा हो सकता है. आप जब किसी के साथ हम टेबल पे बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं, राजयोग या मेडिटेशन के बाद हमने ये सीखा है कि हम उनके साथ टेबल पे बैठे तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 मिनट के लिए सब शांति से बैठे और गॉड को याद करें. उससे क्या है कि हमें एक एटमॉस्फेयर बन जाता है जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है जिससे हमें हमें बातचीत करने में आसानी होती है. जिससे हम क्या होता है कि वो सब अच्छी तरीके से बातचीत होता है, कोई कंट्रोवर्शियल बातचीत नहीं होती है. तो वो हम एक एटमॉस्फेयर बनाने की हम कोशिश करते हैं. हम ऑल्सो हमारे क्लाइंट्स के लिए जिनकी हम बात करने चाहते हैं हम उनको स्पिरिचुअल क्लासेस उनके लिए करवाते हैं. क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम बिजनेस के लिए करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे भी जिससे बात करें और इंटरनली भी जो उनका, तो वो उसको बिजनेस के तरीके से ना ले और उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ ले जिससे वो भी काम रहे, उनको भी लगे कि वो जो बिजनेस हो रहा है उनका वो अच्छा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो इसी तरह हम स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करते हैं हमारे बिजनेस प्रोफेशन में जिससे हमारा क्लाइंट और हम सब खुश रहे और हमारा सारा बिजनेस प्रोफेशन आगे चलता है. तो मुझे एक बात याद आ रही है कि कोई एक मतलब स्टडी कंप्लीट हो गई थी, एक यूथ कोई था जी. तो मतलब उसको एक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हम कहते हैं कि है ही इंडिया में, तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है जी. तो उसको उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा आप मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आप भी मेडिटेशन करो. तो उसने बोला उससे क्या होगा, मेडिटेशन से क्या होगा.
तो उसकी मम्मी ने बोला मैं मतलब परमात्मा के बारे में, गॉड के बारे में बताया जाता है, तो कह रहे मुझे क्या लेना देना गॉड गॉड से, मतलब गॉड मुझे मिले या ना मिले, मुझे तो जॉब चाहिए। जी, तो इसपे क्या है कि हमारे पास भी बहुत, मेरे भी 16 साल के करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि हमारा जो सेल्स का प्रोफेशन है वो बहुत हाई प्रेशर्ड है। अगर हम बिजनेस नहीं लेकर आएंगे कंपनी के लिए, तो कंपनी उसको आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी, कंपनी उस पर आगे काम कैसे करेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बिजनेस प्रोफेशन में काम करते रहे। उसके कारण क्या है कि कभी कभार बिजनेस नहीं आता है तो आपको कंपनी प्रेशर करती है कि अब आप बिजनेस नहीं लाओगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, और हम आपको बस अभी इंसेंटिव नहीं देंगे, तो आपको पास फैमिली है, आप बहुत परेशान हो जाते हो। राजयोग मेडिटेशन में आने के बाद ये मेरे को बहुत उससे हुआ कि अंदर से ये मेडिटेशन करने से एक अच्छी सी जो भावना मेरे अंदर आई कि मेरे साथ भगवान है, मेरे को अपना काम करना है और मैं मेहनत करता रहूं। जैसे अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं जॉब ढूंढता रहूं, और ये मैं परेशान नहीं हूं कि मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूं और अब मेरा कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, जॉब ढूंढते रहिए, जो आपको कार्य करना है वो करते रहिए, और आप मेडिटेशन करिए जिससे आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सके। अगर आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करें और 1 घंटा का मेडिटेशन करें और आप गॉड के साथ कनेक्ट हो सके, आप अगर राजयोग मेडिटेशन की मुरली सुने उससे आप गॉड को गॉड से कनेक्ट कर सकें, तो गॉड से जब आप कनेक्ट करेंगे तो उससे आपका जो ये पेन है वो अपने आप कम हो जाएगा, और गॉड अपने बच्चों के लिए ऑलवेज ही हेल्प करता है, और जो काम कर रहा है उसके लिए गॉड ऑलवेज हेल्प करेगा। तो ये मेरा एक सीख है जो मुझे 3 साल में राजयोग मेडिटेशन से मिला है। तो मैं बड़े अब खुशी से जाता हूँ, कोई भी डील करने जाता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बड़ा खुशी से जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गॉड का बच्चा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड, और गॉड अपने बच्चों को तो कभी त्यागता नहीं है ना, उनको अपने तकलीफ में तो उनको मदद ही करता है। तो इसीलिए मैं ये मैंने सीखा है, और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में गॉड से कनेक्ट करें, राजयोग मेडिटेशन में किस के को जाने, वो आपको हेल्प करता है। राजयोग मेडिटेशन कोई आपसे कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ आपको गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे आप गॉड के बिलीफ में आ जाए, गॉड के बच्चे आपको आपको बिलीफ आ जाए और आपका काम हो। तो हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको शायद जॉब की प्रॉब्लम होगी, नहीं मिल रही होगी, तो उनके लिए अंकुर सर की तरफ से ये मैसेज है कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो अगर आप सच्चे दिल से जो भगवान के साथ अगर जुड़ जाते हैं और आपको विश्वास है, तो वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही है। जी। तो एक तो, बात हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं आप बताइए 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 मैं आप ही को हाँ बोल रहा था आपके बारे में। तो एक जो बात रही मतलब जॉब की और एक बिजनेस की, तो जो जो बिजनेस में है ऐसा मतलब हमारी मान्यता बनी हुई है कि जो बिजनेस कर रहा है वो इंसान वो तो हमेशा परेशान ही रहेगा, और जो जॉब कर रहा है वो शांति की जिंदगी कम से कम जी रहा है। जी, 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 तो कैसे कि मतलब बिजनेस करने वाले लोग भी ये बोलते हैं कि जॉब जो कर रहा है ना वो शायद ठीक है, सुख से जी रहा है, और जो बिजनेस वाला है वो नींद में भी परेशानी में रहता है। आनिया जी ऐसा है कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, दोनों तरफ से आपको ऐसा लगता है कि जॉब वाले को लगता है कि बिजनेस वाला बहुत बढ़िया है, वो बहुत पैसे कमा रहा है और वो बहुत पैसे कमा रहा है, और बिजनेस वाले को ये लगता है कि जॉब वाला बहुत सुकून में है और उसकी अच्छी फैमिली लाइफ है, फैमिली को लेकर घुमाने ले जा रहा है और सुकून में है, हर महीने उसको सैलरी मिल जाती है और हम उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर प्रॉब्लम सबको है, चाहे वो बिजनेस वाला हो चाहे वो सैलरीड वाला हो, प्रॉब्लम सबको है जिंदगी में, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, और वो प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक आप उसको ये नहीं समझोगे कि एक एक ऊपर परमात्मा है, एक ऊपर गॉड है, जो आपका ये कनेक्ट करने से आपका ये सारा का सारा सोल्यूशन रिजॉल्व कर सकता है। अगर आप ये नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो आपकी प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहेंगी, आप उसको नहीं चेंज कर सकते किसी भी तरह। तो चाहे वो बिजनेस वाला हो चाहे वो जॉब वाला हो, आपके लाइफ में उतनी ही टेंशन है, और अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो टेंशन आपकी ज्यादा बढ़ेगी,
तो अगर टेंशन आपकी ज्यादा है तो अगर आप कनेक्ट करोगे परमात्मा से, गॉड से, और आप उनसे बातें करोगे और उनको अपना प्रॉब्लम समझाओगे, तो वो आपके फादर हैं और आपके फादर ऑलवेज आपको हेल्प करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आपका प्रॉब्लम ऑलवेज ठीक हो जाएगा। हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक बात आती है एनर्जी एक्सचेंज की। कहते हैं कि कमा तो रहे हैं लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो मतलब क्या उसमें स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा आपने सीखा कि एनर्जी एक्सचेंज से कुछ बेनिफिट है? एनर्जी जो है वो एक हर आदमी के अंदर होती है, और कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उस आदमी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप आपके पास जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, और एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, आप मेडिटेशन करें, आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि आपकी जिंदगी में जो भी होगा वो अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आप ये सब चीजें आपके माइंड में आएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप ये जिंदगी आपकी अच्छी है और आपके अंदर काफी पॉजिटिवनेस रहेगा, और फिर से आपको लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको गॉड के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप ये कनेक्ट नहीं करोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी और वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने में बहुत दिक्कत होगी। ये अपने एनर्जी के लिए बताया कि जो हम सुप्रीम पावर है उससे एनर्जी लेंगे तो हमारे अंदर वो पावर आएगी, राइट? जी जी जी। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे दिन में भी, शायद कई बार जो ऐसी बातें आती हैं जो कई बार हमारे से सहन नहीं होती किसी ने, मतलब हम अच्छी पोस्ट पे हैं और छोटे वाला कोई जो जूनियर है वो कुछ ऐसा बोल जाता है तो हम सोचते हैं कि क्यों ऐसे बोला उसने, मतलब हम हर्ट हो जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जूनियर ही नहीं, आपके बच्चे ने आपको कुछ बोल दिया, आप हर्ट हो गए, आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया, आप हर्ट हो गए, आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप हर्ट हो गए, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आप हर्ट हो गए। अगर आप ये समझोगे कि वो इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहता है, आप ये समझोगे कि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसका कनेक्ट जो है गॉड के साथ वो बहुत कम है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप ये समझोगे तो आपको जो परेशानी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और बहुत जरूरी है कि अगर आप उससे पॉजिटिविटी के बारे में बात करो, आप उससे अच्छी बातें करो, तो स्वाभाविक है कि वो रिटर्न में आपसे अच्छी बातें ही करेगा। अगर आप अपने जूनियर से अच्छी बातें करोगे, आप उससे गॉड के बारे, चलो ठीक है गॉड के बारे ऑफिस में बात करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर आप उससे अच्छी बातें करोगे, इन द सेंस सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे हो, आप उसे उसे डांटोगे नहीं और उल्टा सीधा और गंदी बात नहीं करोगे तो वो भी खुश रहेगा आपसे। आप उससे, इसमें दूसरी राय भी आती है कि आप काम कैसे कराओगे, अच्छा होके भी आप काम करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा आदमी बनना ही है तभी आप काम करा सकते हो। इंसान है, इंसान सारे इंसान गॉड के बच्चे हैं और सब आप सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, सबसे आप काम करा सकते हो। वाइफ से भी आप घर में कुछ ना कुछ अच्छे से बात करोगे तो वो भी आपसे अच्छे से बात करेगी। आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं, ऑफिस से आया सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दिया और सब उसे डांटने लगे तो वो भी आपसे ऐसे रिएक्ट करेगा, पर आप सब कुछ भूल जाके फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो है बाहर छोड़ जाओगे, गाड़ी में आप आओगे तो आप अगर बाबा के गीत सुनोगे और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप घर आओगे तो आप अच्छे से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज आपने ये प्रूव करके बता दिया हमें कि जो आईटी का मतलब हमारे जो वीके आईटी विंग है वो उनका कहना है कि आईटी मींस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने बताया कि आप उस सर्विसेज में होके कैसे अपना जो है चेंजेस ला रहे हो अपने इनर जो अपने इनर वर्ल्ड में, अपने अंदर की दुनिया आपने एक अलग ही बना रखी है कि कोई भी बाहर से आया हर्ट मुझे नहीं होना है, मेरे अंदर जो अच्छी चीज मैंने भर रखी है पॉजिटिविटी जो मेडिटेशन के थ्रू जो पावर है वही सबके साथ शेयर करनी है, और जो परमात्मा के साथ कनेक्ट होना आपने बताया,
बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की यहाँ आके, और भी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास जो मतलब हम आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि यंगस्टर्स को मतलब आईटी विंग की तरफ से। मेरा सिर्फ एक एक ही छोटा सा मैसेज होगा, एक या दो लाइन का, कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सारी नेगेटिविटी हटाना, पॉजिटिव रहना, ये सोचना कि जिंदगी में जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, ये सोचना कि गॉड है और गॉड के आप बच्चे हैं और आपको गॉड से डेली कनेक्ट, आपको बात करना पड़ेगा। आप अपने फादर से बात नहीं करोगे डेली तो आपके फादर आपकी बात समझेंगे कैसे? तो आपको अपने फादर से सुबह 4 बजे उठ के बात करनी पड़ेगी। आपको अपने फादर से बात करने के काफी तरीके, आपको राजयोगा मेडिटेशन जो है, वो राजयोगा जो है वो आपको समझा, वो आपको समझाएंगे ब्रह्म कुमारी की तरफ से, और आप समझिए इनको और आप अपनी जिंदगी को आप खुशहाल और सुखी बना सकते हैं फॉर एवर। जी सुबह 4, आप बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया यूथ के लिए, और मतलब आपने बोला कि सुबह 4 बजे उठना, तो ये यूथ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि लेट सोना लेट उठना जो हमारी हैबिट बन चुकी है। तो क्या 4 बजे उठना ही जरूरी है या फिर हम किसी और टाइम में भी कर सकते हैं? देखिए 4 बजे उठने का मेरा एडवाइस है, क्योंकि 4 बजे उठने के जो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव सोल्स होते हैं वो सब सो रहे होते हैं, और अगर आप बात करोगे तो ट्रांसमिशन दैट यू विल हैव टू गॉड, टू परमात्मा, वो बहुत क्लियर ट्रांसमिशन होगा। आप वैसे ये दिन में कभी भी कर सकते हैं, तो आप पहले स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए दिन में जब आपको टाइम हो उससे आप स्टार्ट कीजिए, और धीरे 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 जब आपको इसका फल मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप फिर रात में 9:30-10 बजे सोने लगेंगे और 4 बजे उठने लगेंगे। इट्स अ प्रोसेस। आप क्यों सोते हो 12 बजे 1 बजे आप टीवी देखते रहते हो बैठ के, या आप कुछ दोस्तों से गपशप या पार्टी ये सब करते रहते हो, फिर आपको रियलाइज होगा कि ये सब चीज आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। कनेक्टिंग टू द परमात्मा एंड द गॉड टू रिजॉल्व योर स्ट्रेस। आप स्ट्रेस रिजॉल्व करने के लिए आप गप मारते हो, टीवी देखते हो, पार्टी करते हो, जिससे मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाए। जब आप देखोगे कि आप बाई टॉकिंग टू परमात्मा फॉर 1 आवर से ही आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल move to the direction towards to connect with Paramatma, and then up dheere dheere you will start at 4 o'clock. So start with 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, and then come to 4 o'clock. जी सेल्स कंसल्टेंट होने के साथ साथ आपने जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी हमारे को कंसल्टेंस दे दी, वो भी बिल्कुल लाइव हमारे साथ जुड़ के, तो आपके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स आपको करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। टू नो मोर लॉग ऑन टू www.bkitwing.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKITWing.